नमस्कार, मैं हूं पुनीत सैनी और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। आज बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आपके साथ देश में चल रहे खुशी के माहौल पर आप सभी दर्शकों से कुछ साझा करते हैं। समस्त भारत की जनता को जिस सुनहरे पल का इंतजार था, बीते दिन वो पल आ गया। धारा 370 जो कि भारत के दिल कहे जाने वाले राज्य जम्मू कश्मीर से मोदी सरकार ने हटा दी है। इसी मौके पर देश भर में जश्न का माहौल है। 72 वर्षों से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 ने भारत के जम्मू कश्मीर को अलग थलग कर रखा था। इस धारा में ऐसे कानून थे जो कि एक राज्य को एक राष्ट्र से अलग करते थे, लेकिन कांग्रेस व अन्य राजनीतिक दल आज़ादी के बाद से अब तक इस अनुच्छेद 370 के समर्थन में हैं। बड़ा सवाल, क्या देश की आवाम के दिल की बात को इन राजनीतिक दलों ने अनदेखा किया है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। अब मेरी सहयोगी अलीशा बुलेटिन देने को तैयार है। बने रहिए अर्थ प्रकाश टीवी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। मैं अलीशा जुनेजा आपके लिए लाई हूँ 5 राज्यों की बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने को लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। चंडीगढ़ पासपोर्ट कार्यालय में कर्मचारियों ने मांगों को लेकर विदेश मंत्रालय के खिलाफ किया प्रदर्शन। विधानसभा मॉनसून सत्र के दौरान सदन में गूंजे भारत माता के जय के नारे। हरियाणा पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह विर्क ने कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा को लेकर राज्य की पुलिस को दिए निर्देश। पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने को बताया लोकतंत्र के लिए काला दिन। माहौल बिगड़ने के डर से पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अलर्ट रहने के दिए निर्देश। कश्मीरी सेब पर 370 की मार से हिमाचली सेब की बढ़ सकती है डिमांड। हिमाचल में हाई अलर्ट जारी, जम्मू से हिमाचल आने वाली बसों को रोका गया। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने मोदी सरकार के जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के फैसले पर सहमति जताई। दिल्ली में हाई अलर्ट, सुरक्षा एजेंसियां कानून व्यवस्था पर नजर बनाए हुए। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। वहीं पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में जश्न मना रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं को विरोध का सामना करना पड़ा। मामले पर ABVP व SFS आईसा पुसू आमने सामने हो गए। PU कैंपस छावनी में तब्दील हो गया। दरअसल कल से ही आशंका जताई जा रही थी कि जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। इसको लेकर SFS आईसा पुसू ने पहले से ही विरोध प्रदर्शन की तैयारी शुरू की हुई थी। चंडीगढ़ पासपोर्ट कार्यालय के कर्मचारियों ने सोमवार को भोजन अवकाश के दौरान विदेश मंत्रालय के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने प्रमोशन सहित कई मांगों को पूरा करने की मांग की। पासपोर्ट कर्मचारी यूनियन चंडीगढ़ इकाई के अध्यक्ष सहदेव कौशिक ने बताया कि कर्मचारियों की कई मांगें लंबे समय से लंबित हैं। इन मुद्दों को लेकर विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ ऑल इंडिया पासपोर्ट एम्प्लाइज एसोसिएशन के सदस्यों की कई बार बैठक हुई है, फिर भी अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर हरियाणा विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन जमकर बहस हुई है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। सत्तारूढ़ भाजपा ने सदन में अनेक बार नारेबाजी की, जिसके बाद कांग्रेस विधायक करण दलाल ने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सदन को बताएं, अनुच्छेद हटाने का फैसला राष्ट्रपति संदर्भ है या अधिसूचना या फिर केंद्र सरकार का फैसला, इसके कंटेंट भी बताए जाएं। हरियाणा पुलिस की ओर से संविधान के अनुच्छेद 370 पर केंद्र सरकार के फैसले के बाद राज्य भर में अलर्ट जारी किया है, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह विर्क ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि सभी पुलिस आयुक्तों और जिला पुलिस अधीक्षकों को राज्य में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के तरीके की कड़ी आलोचना करते हुए इसे पूरी तरह असंवैधानिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस फैसले से जहां देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मटियामेट कर दिया, वहीं नियमों की धज्जियां उड़ाकर रख दी।
कैप्टन ने कहा, यह भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन है। कश्मीर के घटनाक्रम पर पाकिस्तान की प्रतिकूल प्रतिक्रिया की आशंका के मद्देनज़र पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में ऐसे किसी भी तरह के समारोह या विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी है जिससे राज्य में माहौल बिगड़ सकता हो। सोमवार को मुख्यमंत्री ने सीमा पर तनाव बढ़ने के साथ पंजाब पुलिस को निर्देश दिया है कि राज्य में अशांति पैदा करने के पाकिस्तान के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए तैयार रहें। कश्मीरी सेब पर भी इस बार अनुच्छेद 370 की मार पड़ने वाली है। तनावपूर्ण स्थिति के चलते इस बार कश्मीर का सेब सीजन प्रभावित हो सकता है। 15 अगस्त से कश्मीर में सेब सीजन शुरू होने वाला है। माहौल तनावपूर्ण होने के चलते अगर कश्मीर सेब मार्केट में नहीं पहुंच पाता तो हिमाचली सेब की डिमांड बढ़ सकती है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद तनाव के मद्देनज़र हिमाचल में सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई है। प्रदेश में रह रहे कश्मीरियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। खासकर जम्मू से सटे चंबा, कांगड़ा और लाहौल में निगरानी बढ़ाई गई है। शक्ति पीठों, मंदिरों और बिजली प्रोजेक्टों में अलर्ट जारी है। नाकों पर चेकिंग हो रही है। इसी बीच हिमाचल पथ परिवहन निगम ने सोमवार को जम्मू कटरा और उधमपुर जाने वाली 13 बसें पठानकोट में ही रोक दी। जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर राज्यसभा में सोमवार को पेश हुए प्रस्ताव पर आम आदमी पार्टी ने भी सहमति जताई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम केंद्र सरकार के इस फैसले का समर्थन करते हैं। अब हम आशा करते हैं कि सरकार के इस फैसले से राज्य में शांति आएगी और वहां विकास होगा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। सभी जिला डीसीपी की ओर से वायरलेस सेट पर मैसेज देकर पुलिस कर्मियों से अलर्ट रहने को कहा गया है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने ब्लैक रोज स्कीम के तहत जनरल गश्त बुलाई है। सभी थानाध्यक्षों को संवेदनशील जगहों पर कड़ी चौकसी रखने के लिए कहा गया है। दिल्ली समेत देश भर की सुरक्षा एजेंसियां कानून व्यवस्था के हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। दिल्ली पुलिस खुफिया विभाग के संपर्क में है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।